गर्दिश में हैं शाइशा के सितारे, आजमा ने लगाया अनुमान। शाइशा हो सकती हैं इस हफ्ते शो से बाहर। पायल जिसके पीछे पड़ती है उसका हो जाता है इविक्शन। रियलिटी शो लॉकअप में अब कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला कांटे का हो गया है। दो धुरंधर खिलाड़ी मुनव्वर और पायल के रूप में नजर आ रहे हैं। मुनव्वर जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं तो वहीं पायल जनता को कम पसंद आती हैं। लेकिन वो शो के फॉर्मेट के हिसाब से बिल्कुल सटीक हैं और मेकर्स चाहकर भी उन्हें शो से बाहर का रास्ता नहीं दिखा पाते। वहीं इन दोनों के अलावा जेल में और भी कैदी हैं, शिवम, आजमा, पूनम, अंजलि, शाइशा, सभी अपनी अपनी तरह से न सिर्फ फिनाले में पहुंचने की बल्कि ट्रॉफी को जीतने का भी प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस हफ्ते शो से बाहर कौन होगा, इस बात को लेकर भी सोशल मीडिया पर फैंस और दर्शकों द्वारा चर्चा शुरू हो गई है। पूनम, शाइशा और आजमा ये तीन कमजोर कड़ी हैं, इन्हीं तीनों में से कोई एक शो से बाहर हो सकता है। बाकी अंजलि और पायल को स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जा रहा है। अंजलि वोटिंग के आधार पर बच सकती हैं, वहीं पायल भले ही जनता का कम वोट पाती हों लेकिन शो के फॉर्मेट से वो सटीक हैं और जबरदस्त कंटेंट देती हैं, इसलिए उन्हें शो से बाहर का रास्ता दिखाना थोड़ा मुश्किल है। पूनम भले ही जनता का अधिक प्यार पाती हैं लेकिन वो शो में कंटेंट नहीं दे पा रही हैं, इसलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच शाइशा भी चर्चा में बनी हुई हैं। दरअसल आजमा को ऐसा लगता है कि शाइशा इस हफ्ते शो से बाहर हो सकती हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि पायल जिसके पीछे पड़ती हैं वो शो से बाहर हो जाता है। आजमा इसी तरह का अंदाज़ा लगा रही है। आजमा ने ये कहा कि शाइशा के सितारे गर्दिश में हैं और वो इस हफ्ते शो से बाहर हो सकती हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आजमा की भविष्यवाणी सच होती है या नहीं। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुंचाएं।